Hello, my dear students, how are you? I am sure you must be in very high spirits. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए डाल रहा हूँ जो नीट और JEE मेन और एडवांस में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं, और इन वीडियोज़ का नाम मैंने रखा है हाई यील्ड पॉइंट सीरीज, और ये वीडियो इस सीरीज़ का पांचवा वीडियो है। इससे जो पहला वीडियो था, वीडियो नंबर 4, उसमें मैंने आपको काइनेमैटिक्स के पॉइंट बताए थे, और वहाँ तक मैंने जब वो वीडियो ख़त्म किया था तो 17 पॉइंट आपको मैंने बताए थे। आज भी ये मेरा काइनेमैटिक्स पे दूसरा लेक्चर है, तो इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट नंबर 18, ताकि ये कॉन्टीन्यूटी आपके लिए बनी रहे। तो अगर आपको याद हो, उस दिन मैंने वीडियो के एंड में, वीडियो नंबर 4 के एंड में बताया था कि अगर कोई बॉडी या पार्टिकल जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसका आधा ट्रैवल करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 और दूसरा आधा ट्रैवल करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड v2, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज़ 2v1v2/v1+v2। ये मैंने आपको वहाँ पर प्रूव करके भी दिखाया था। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि देखो, वो मैंने बताया था कि आधा डिस्टेंस कवर किया विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 और नेक्स्ट आधा किया विद यूनिफॉर्म स्पीड v2। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई बॉडी एक पॉइंट से शुरू करती है, दूसरे पॉइंट पे गई विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 और फिर वापस आ गई पहले पॉइंट पे विद यूनिफॉर्म स्पीड v2, तो ये वही बात होगी कि उसने आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 और आधा ट्रैवल किया विद यूनिफॉर्म स्पीड v2। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसकी लैंग्वेज दोनों में से किसी भी तरीके से लिखी हो सकती है। तो वो जो फार्मूला एवरेज स्पीड का 2v1v2/v1+v2, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/v average = 1/v1+1/v2। अब ये तो बात होगी जब पूरे डिस्टेंस को दो बराबर हिस्सों में बांट के एक ट्रैवल करती है बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 और दूसरा आधा करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड v2। लेकिन मान लो टोटल डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रैवल किया s, और उसके उसने 3 या 4 या 5 या 10 या 15 या इन जनरल n बराबर हिस्से कर लिए, यानी कि s/n डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया विद यूनिफॉर्म स्पीड v1, नेक्स्ट s/n किया विद यूनिफॉर्म स्पीड v2, नेक्स्ट s/n किया विद यूनिफॉर्म स्पीड v3 एंड सो ऑन, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल गिवन बाई n/v average = 1/v1+1/v2+1/v3+so on up to +1/vn। जैसे अगर 2 हो तो आ जाएगा n की जगह 2 आ जाएगा, जैसे ऊपर मैंने बताया 2/v average = 1/v1+1/v2, लेकिन अगर n बराबर हिस्से किए देन इट विल बी n/v average = 1/v1+1/v2+। तो ये आपने याद रखना सीधा फार्मूला। उसके बाद है फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर फ्रीली मूव करती है तो उसकी एक्सेलेरेशन, जो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बताई विच आर ट्रू फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगी स्मॉल जी के बराबर, विच इज़ ऑफ कोर्स 9.8 m/s². तो जब कोई बॉडी हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ए लेंगे हम -g, और जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो ए लेंगे +g, क्योंकि ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी डायरेक्शन हमेशा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। नाउ अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि ए बॉडी इज़ अलाउड टू फॉल और इट इज़ लेट फॉल और इट इज़ ड्रॉप्ड और इट इज़ रिलीज्ड, इन चारों शब्दों में से कोई भी लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो लेनी है दैट इज़ टू बी टेकन एज 0, सो इन दैट केस यू टेक u = 0। अब जो मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट क्या है, फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मान लो कोई बॉडी रेस्ट से शुरू करती है एंड देन इट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, वो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे बॉडी हॉरिजेंटल सर्फेस हो कोई या इंक्लाइन प्लेन हो तो वहाँ से रेस्ट से शुरू करे एंड देन इट फॉल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, या
किसी हाइट से हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करेंगे जब, तो यू हो गया जीरो, दैट मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस केस में पहली चीज, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड, कौन कौन से डिस्टेंसेज. अब इसके दो पार्ट, एक ए दूसरा बी. इन द फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड एंड देन सो ऑन विल बी. इसका मतलब क्या कि मान लो बॉडी ने पहले सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया एस वन, दूसरे में किया एस टू, तीसरे सेकेंड में किया एस थ्री एंड सो ऑन. तो एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री विल बी इक्वल टू वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सो ऑन. अब ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि कोई बॉडी हम वी अलाउ इट टू फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ये पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है एस, तो बताओ दूसरे सेकंड में कितना करेगी. तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं अगर हम ये वाला पॉइंट याद कर लें, क्योंकि वो जो रेशियो होगी वो होगी वन इज टू थ्री पहले और दूसरे की. इसका मतलब दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है जितना पहले सेकंड किया उससे थ्री टाइम्स होगा. तो अगर वो एस है तो थ्री एस आ जाएगा, अगर वो कुछ भी वैल्यू और देता है तो उससे थ्री टाइम्स, अगर वो कहता है भाई तीसरे सेकंड में कितना होगा तो वो फाइव टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा. सो एक पॉइंट ये याद रखना है. और दूसरा आपने रखना है कि पहले सेकेंड में डिस्टेंस मान लो ट्रेवल किया एस वन, आगे फिर दो सेकंड में, पहले दो में, पहले एक में एस वन, फिर पहले दो में एस टू, और फिर पहले तीन सेकंड में एस थ्री. इन दिस केस पहले में क्या था, जो पहली बात बताई मैंने आपको वन इज टू थ्री इज टू फाइव, उसमें यह था एक एक सेकंड में डिस्टेंस. यहाँ पे क्या है, एक सेकंड में, फिर दो सेकंड में, फिर तीन सेकंड में. तो ये रेशो होती है वन स्क्वेयर इज टू टू स्क्वेयर इज टू थ्री स्क्वेयर इज टू सो ऑन, दैट इज वन इज टू फोर इज टू नाइन इज टू सो ऑन. एंड द रेशो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड इज वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू सो ऑन. तो ये बातें आपने याद रखनी हैं. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. हमें पता है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करती है देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी इन टाइम टी इज गिवन बाय एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. और अगर वो बॉडी रेस्ट से शुरू करे तो यू आ गया जीरो, तो यू की जगह मैं जीरो पुट कर देता हूँ, प्लस ए की जगह जी. अगर वो फ्रीली फॉल करती है अंडर ग्रेविटी तो हाफ जी टी स्क्वेयर आ गया. दैट मीन्स एस इक्वल टू हाफ, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, साथ में आ गया टी स्क्वेयर. सो दिस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वेयर. अब पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका नाम मैंने रखा एस वन, तो टी इक्वल वन पुट कर दूंगा मैं, तो आ गया 4.9 इंटू वन स्क्वेयर, सो मैनी मीटर इक्वल टू 4.9 मीटर. अब नेक्स्ट जो दूसरा सेकंड है उसमें मान लो उसने एस डैश ट्रेवल किया, तो वो आएगा जितना दो सेकंड में किया माइनस जितना पहले एक सेकंड में किया. अब दो में निकालना है तो टी की जगह टू पुट कर दो, और एक में निकालना है तो टी की जगह वन पुट कर दो, तो वो आ जाएगा 4.9 इंटू टू स्क्वेयर माइनस 4.9 इंटू वन स्क्वेयर, वो आ जाएगा 4.9 इंटू फोर माइनस 4.9 इंटू वन, सो दैट इज 3 इंटू 4.9. आगे नेक्स्ट सेकंड में अगर उसने एस डबल डैश किया तो वो आएगा जितना तीन में किया है माइनस जितना दो में किया है, तो अगर मैं पहले तीन पुट कर दूं टी की जगह फिर दो पुट कर दूं तो ये एस डबल डैश आ जाएगा 5 इंटू 4.9 मीटर. अब अगर मैं रेशो निकालूं एस वन इज टू एस डैश इज टू एस डबल डैश, क्योंकि एस वन है जो पहले सेकंड में ट्रेवल किया, एस डैश है जो दूसरे एक सेकंड में किया, एस डबल डैश है जो तीसरे एक सेकंड में किया, सो दैट इज़ वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सो ऑन. और वो जो मैं बता रहा था कि पहले एक सेकंड में, फिर पहले दो सेकंड में, पहले तीन सेकंड में, वो रेशो आएगी अगर पहले एक में निकालना है तो 4.9 इंटू वन स्क्वेयर, फिर पहले दो में तो टी जगह दो पुट कर दो, तीन में तो टी जगह तीन पुट कर दो, तो ये रेशो आ गई 4.9 इंटू वन स्क्वेयर इज टू 4.9 इंटू टू स्क्वेयर इज टू 4.9 इंटू थ्री स्क्वेयर. 4.9 कैंसिल हो गया ये, तो ये आ जाएगा वन स्क्वेयर इज टू टू स्क्वेयर इज टू थ्री स्क्वेयर. और जो वेलोसिटी है वो निकालने के लिए वी इक्वल यू प्लस ए टी, यू आ गया जीरो, ए आ गया जी, और जी आ गया 9.8, दैट मींस वी इक्वल टू 9.8 टी. तो एक सेकंड के बाद वी वन आ गया 9.8 इंटू वन,
दो सेकंड के बाद वी टू आ गया 9.8 इंटू टू, तीन सेकंड के बाद 9.8 इंटू थ्री एंड सो ऑन। तो अगर मैं रेशो निकाल लूँ वी वन इज टू वी टू इज टू वी थ्री, तो वो रेशो आ जाएगी 9.8 इज इंटू वन इज टू 9.8 इंटू टू इज टू 9.8 इंटू थ्री। 9.8 जो है ये कैंसिल कर देंगे तो रेशो आ गई 1:2:3, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ये पॉइंट आप याद कर लेंगे, इनका क्यों नाम है हाई यील्ड पॉइंट्स, क्योंकि अगर ये याद कर लेंगे आप तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपने याद रखना है कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जिस मर्जी वेलोसिटी से फेंके, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने तक लगता है, हाईएस्ट पॉइंट तक जहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। दैट मीन्स टाइम ऑफ असेंट, असेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो मान लो वो कहता है कि मैं कोई बॉडी फेंकता हूँ विद ए सर्टेन वेलोसिटी और वो मेरे पास वापस आ जाती है आफ्टर 4 सेकंड, इसका मतलब उसको ऊपर जाने में भी 2 सेकंड लगे और नीचे आने में भी 2 सेकंड लगे। फिर जो उसने पूछा हो वो चीज़ हम निकाल सकते हैं बाई कीपिंग इन माइंड कि अगर हम हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ का मोशन कंसीडर करेंगे तो भी टाइम 2 सेकंड लेंगे, और अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक कंसीडर करेंगे ऊपर की तरफ मोशन तो भी टाइम जो है 2 सेकंड लेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ़ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज़ वेलोसिटीज यू एंड वी एट 2 पॉइंट्स अलॉन्ग इट्स पाथ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन है सच, बहुत बार एग्जाम में आया, एट 2 पॉइंट्स अलॉन्ग इट्स पाथ देन इट्स वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ यू स्केयर प्लस वी स्केयर डिवाइडेड बाई 2। यानी कि पहले यू स्केयर निकालो प्लस वी स्केयर करो, उसको 2 से डिवाइड करो और फिर उसका अंडर रूट निकालो। और इसको पूछने का एक और तरीका है, वो ये है कि एक ट्रेन है, इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका जो इंजन है वो किसी फिक्स पोल के सामने से जब निकलता है तो उसकी स्पीड उस वक्त है u, और जब उसका लास्ट कंपार्टमेंट जिसमें कि गार्ड बैठा होता है, कई बार वो गार्ड भी कह देते हैं, वो जब उसी पोल के सामने से गुजरता है तो उसकी स्पीड है v। तो बताओ ट्रेन का मिड पॉइंट जब उसी पोल के सामने से निकलेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो अगर आपको याद है कि ये आंसर आएगा यू स्केयर प्लस वी स्केयर ओवर 2 अंडर रूट, तो कई बार तो यू और वी लिखा होता है, लेकिन अगर मान लो वो कह देता है यू की वैल्यू दे देता है इतने मीटर या इतने किलोमीटर पर आवर, और वी की वैल्यू दे देता है इतने मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ये फार्मूला यूज़ करो, वैल्यूज पुट करो एंड कैलकुलेट, तो इट विल नॉट टेक मोर देन फ्यू सेकेंड्स। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट और हाई यील्ड पॉइंट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज that if a body travels with uniform acceleration a1 for time t1 and with uniform acceleration a2 for time t2, then its average acceleration is given by a equal to, please remember this formula, a equal to, this is average acceleration, a equal to a1 t1 plus a2 t2 over t1 plus t2। अब इसमें a1 क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कितने टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए। a2 क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए। और एवरेज एक्सेलेरेशन आ गई a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। अब मैथमेटिकल टेक्निक फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, वो टेक्निक क्या है कि मान लो आपको उसने कोई रिलेशन दिया है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम या डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, वो कहता है कि उस बॉडी की जिसके लिए वो रिलेशन दी है उसकी स्पीड या वेलोसिटी बताओ या एक्सेलेरेशन बताओ इतने टाइम के बाद। तो आपने क्या करना है, पहले वो रिलेशन लिख लेना है बिटवीन डिस्टेंस, उसका नाम एस हो सकता है, एक्स हो सकता है, टाइम का नाम टी हो गया, तो डिफरेंशिएट करके पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, जैसे डी एक्स बाई डी टी, अगर एक्स और टी में रिलेशन है। नाउ व्हाट इज़ डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी, वो आपकी वेलोसिटी निकल आई। अब उसका नाम v रख लो और उसको द्वारा डिफरेंशिएट करो, dv by dt आ गया, एंड व्हाट इज dv by dt, एक्सेलेरेशन। इसका मतलब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकालनी है तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड या वेलोसिटी निकल आएगी, दूसरी बार करोगे तो एक्सेलेरेशन निकल आएगी।
अब इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है, कई बार वो एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन दे देता है। वो कहता है कि बताओ इसकी स्पीड या वेलोसिटी इतने टाइम पे कितनी होगी, या ये इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी, तो हम रिवर्स गियर लगा देंगे। उसमें क्या है, हम जो ए और टी का रिलेशन है, ए को लिख लेंगे डी वी बाई डी टी और डी टी को टी वाली तरफ ले जाएंगे जिस तरफ टी लिखे हुए हैं, और फिर इस इक्वेशन को इंटेग्रेट करेंगे तो वी निकल आएगा। फिर वी को लिख लेंगे डी एक्स बाई डी टी और फिर वहाँ से डी एक्स निकाल के द्वारा उसको इंटेग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालें तो दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अगर एक्सेलरेशन से स्पीड या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है तो दो बार इंटेग्रेट करना पड़ेगा। इस चीज़ को और भी क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल है, बहुत बार आई है, ये जेईई में आई हुई है। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एक्स एंड टाइम टी इज ऑफ द फॉर्म टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द रिटार्डेशन, हमने रिटार्डेशन निकालनी है। आप देखिए जो दिया हमें रिलेशन उसने वो है टी इक्वल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब हम दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, या तो हम इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स लेके एक्स की वैल्यू निकालें, वहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल लें, वो वी आ गया, फिर वहाँ से डी वी बाई डी टी निकालें तो वो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आ जाएगी। लेकिन आसान तरीका ये है कि आई विल डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड पे प्लीज़ नोट दिस, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लेफ्ट साइड पे आ गया डी टी बाई डी एक्स, और राइट साइड पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, प्लस बीटा कांस्टेंट है और डी डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा 1। और ये जो डी टी बाई डी एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर डी एक्स बाई डी टी, एंड डी एक्स बाई डी टी इज वी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1 बाई वी, राइट हैंड साइड पे आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब 1 ओवर वी को मैं लिख सकता हूँ वी रेज टू द पावर माइनस 1, और राइट साइड को वैसे ही लिख दिया। नाउ लेट अस डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अब मैंने वी से एक्सेलरेशन पे पहुँचना है तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो देयर फोर लेट अस डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आ जाएगा डी डी टी ऑफ वी रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा इज कॉन्स्टेंट और एक्स का आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स बाई डी टी, और प्लस बीटा क्योंकि अकेला ही कांस्टेंट है, और जब कोई अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। अब लेफ्ट साइड पे ये डी डी टी ऑफ, क्योंकि वेरिएबल है वी, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ चेन रूल भी लगेगा। तो पहले तो वो एक्स रेज टू पावर एन वाला फार्मूला लगा, तो आ गया माइनस पावर 1 है, तो आ जाएगा माइनस 1 वी रेज टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, वो बन गया माइनस वी रेज टू पावर माइनस 2 इंटू चेन रूल अप्लाई किया तो आ गया डी वी बाई डी टी, और राइट साइड पे 2 अल्फा तो कांस्टेंट ही है, डी एक्स बाई डी टी वी के बराबर है, तो आ गया 2 अल्फा इंटू वी। और ये जो है डी वी बाई डी टी इस तरफ रखो और ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर वी स्क्वेयर, और उसको ले जाओ राइट साइड पे, राइट साइड पे था 2 अल्फा वी, जब वो माइनस वी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू वी क्यूब। एंड व्हाट इज डी वी बाई डी टी, ये ए के बराबर है, दैट मीन्स ए आ गया माइनस 2 अल्फा वी क्यूब। अब देखिए उसने जो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है उसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उसने हमसे पूछा रिटार्डेशन, और जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें ए के साथ लिखा उसने माइनस 2 अल्फा वी क्यूब और दूसरे के साथ लिखा 2 अल्फा वी क्यूब। सो अगर तो वो कहता है बताओ एक्सेलरेशन कितनी है, तो हम टिक करते माइनस 2 अल्फा वी क्यूब को, लेकिन उसने क्या पूछा है रिटार्डेशन। एंड व्हाट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज का रिटार्डेशन। सो जब मैं रिटार्डेशन लिखूंगा तो वो नेगेटिव साइन नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा कि रिटार्डेशन इक्वल 2 अल्फा वी क्यूब, क्योंकि जब मैंने ए लेना होगा रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ए ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा वी क्यूब। सो देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज 2 अल्फा वी क्यूब। अब एक और एग्जांपल है उल्टी, जो मैंने आपको बताया कि पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इक्वल 0 मींस एट द ओरिजिन एट टाइम टी इक्वल 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद ए वेलोसिटी वी
विच वेरीज एज वी इक्वल टू अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स। अब इसमें वी तो उसकी वेलोसिटी है, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट। हाउ डज द डिस्प्लेसमेंट वेरी विद टाइम। अब वहाँ पे जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ और वहाँ पे जो चार ऑप्शन है वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो लेट अस सॉल्व दिस। उसने हमें वी दे रखा है इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स अंडर रूट, एंड वट इज वी, वी इज डी एक्स बाई डी टी। तो राइट साइड पर वैसे ही लिख दो। और अब मैंने इसको करना है इंटेग्रेट। अब वेरिएबल है एक एक्स और दूसरा टी, और आपको पता है जब इंटेग्रेट करना हो तो वेरिएबल्स मस्ट बी सेपरेटेड। तो ये जो अंडर रूट एक्स है इसको मैं डी एक्स की तरफ ले आया और डी टी को मैं अल्फा के साथ ले गया, तो आ गया वन ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी। अब करो इंटेग्रेट दोनों तरफ। सो वन ओवर एक्स अंडर रूट डी एक्स इक्वल टू इंटेग्रल, राइट साइड पर अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स रेज टू पावर वन बाई टू नीचे, ऊपर जाके पावर बन जाएगी माइनस वन बाई टू। और जब एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन का फार्मूला लगाओ ये तो ही आ जाएगा एक्स रेज टू पावर वन बाई टू ओवर वन बाई टू। और राइट साइड पे अल्फा तो है ही है, डी टी का इंटीग्रल आ गया टी। अब ये बचा एक्स रेज पावर वन बाई टू लेफ्ट साइड पे, और वन बाई टू को एज सच ले जाओ राइट साइड पे, तो आ गया वन बाई टू इंटू अल्फा टी। अब दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो तो आ गया एक्स इक्वल टू वन बाई फोर अल्फा इंटू टी, अल्फा स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर किया मैंने दोनों तरफ, वन बाई टू का वन बाई फोर आ गया, अल्फा स्क्वेयर आ गया, टी स्क्वेयर आ गया। अब आपको पता है वन बाई फोर तो है ही है कॉन्स्टेंट, उसने हमें दिया क्वेश्चन में कि अल्फा इज आल्सो कॉन्स्टेंट, इसका मतलब अल्फा स्क्वेयर इज आल्सो कॉन्स्टेंट एंड देयर फोर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। और जो उसने ऑप्शन दिए हैं उसमें उसने लिखा कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, एक टी लिखा है, एक टी क्यूब लिखा है, एक अंडर रूट टी लिखा है और एक टी स्क्वेयर लिखा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज टी स्क्वेयर। सो ये है कि हम कैसे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।